रतिया विधानसभा के नागपुर में भाजपा की बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा। सशक्त और समृद्ध भारत का सपना, भाजपा के साथ हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा और मैं हूं पूजा। आज हम आपको ले चल रहे हैं हरियाणा की रतिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक का आयोजन नागपुर के नारंग पैलेस में हुआ, जहां माननीय सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीतियों को साझा किया और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। सुनीता दुग्गल ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है, जो सशक्त और समृद्ध भारत के विचार से प्रेरित है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर बूथ पर भाजपा का कमल खिलाने के लिए मेहनत करें। इस बैठक में रतिया के कई सम्मानित नागरिकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नए साथियों का पार्टी परिवार में स्वागत करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि भाजपा अपने नए सदस्यों का हमेशा खुले दिल से स्वागत करती है और सभी को देश सेवा के इस पवित्र कार्य में शामिल होने का मौका देती है। इस दौरान नागरिकों में उत्साह देखा गया और सभी ने भाजपा के सिद्धांतों को अपनाते हुए देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। सांसद दुग्गल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क तैयार करने और आगामी चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह है, जो देश के विकास और उन्नति के लिए सदा तत्पर रहता है। इस बैठक में अन्य भाजपा नेताओं ने भी अपने विचार साझा किए। बैठक में पार्टी के सदस्यता लेने वाले नए कार्यकर्ताओं का स्वागत जोरदार तालियों के साथ किया गया। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। आने वाले चुनावों में भाजपा की रणनीतियां क्या रंग लाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ।